अगर गंगा को बचाना है तो उसके आसपास रहने वाले लोगों को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी, और यह तभी संभव है जब यहाँ रह रहे लोगों को गंगा के आसपास रहने का कुछ आर्थिक फायदा भी हो। ऐसा ही कुछ सोचकर केंद्र सरकार ने अर्थ गंगा परियोजना की शुरुआत की है। आज के वीडियो में हम आपको इस प्रोजेक्ट के विस्तार से बताने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाएं। ২০১৯ में राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा एक मॉडल बनाने की बात कही थी। यह मॉडल अब तैयार हो गया है। इस मॉडल के बारे में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक जी अशोक कुमार ने पिछले दिनों पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अर्थ गंगा के 6 प्रमुख उद्देश्य होंगे। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि गंगा के दोनों तरफ 10 किलोमीटर तक रसायन मुक्त खेती कराई जाएगी, यानी कि शून्य बजट प्राकृतिक खेती कराई जाएगी। इसके लिए आने वाले दिनों में किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर आकर्षित करने के लिए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में शिविर लगाएंगे। अर्थ गंगा के तहत आजीविका के अवसर पैदा किए जाएंगे और गंगा बेसिन में 75 जलन केंद्र शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा घाट में हाट लगाए जाएंगे, स्थानीय उत्पादकों का प्रचार किया जाएगा, आयुर्वेद और औषधि पौधों की बिक्री की जाएगी। गंगा नदी के किनारे सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नाव पर्यटन, कम्युनिटी जेटीज, योग का प्रचार, साहसिक पर्यटन, गंगा आरती आदि जैसी पहल होंगी। विभिन्न राज्यों में 20,000 से ज़्यादा गंगा दूत तैनात किए गए हैं और हर हफ्ते होगा घाट पे योगा। गंगा क्वेस्ट जैसे जागरूकता पैदा करने वाले कार्यक्रम शुरू होंगे। गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए शिविर और गंदे पानी को ट्रीट करके उसे दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें शहरी स्थानीय निकायों के लिए सिंचाई, औद्योगिक उद्देश्यों और राजस्व बढ़ाने के लिए परिष्कृत पानी को फिर से उपयोग में लाने की परिकल्पना की गई है। इस तरह गंगा को साफ रखने के लिए एक और कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। अब तक के कार्यक्रम पूरी तरह सफल नहीं रहे हैं। ऐसे में यदि इस कार्यक्रम में भी सावधानी व तत्परता नहीं बरती गई तो यह कार्यक्रम भी फेल हो सकता है। आपका क्या विचार है, जवाब जरूर दें और साथ ही हमारा यह चैनल सब्सक्राइब करें। घंटी के बटन यानी बेल आइकन दबाएं और हमारा वीडियो शेयर भी करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।